लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए 28 मार्च को जारी हुई अधिसूचना। कलेक्ट्रेट के अंदर और बाहर पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कलेक्ट्रेट के आसपास के रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर रूट किया डाइवर्ट। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए अजमेर में द्वितीय चरण के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। अजमेर में मतदान द्वितीय चरण में 26 मई को होगा। 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 4 जून को होगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट व उसके बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ बदलाव भी किए हैं। लोहाखान पुलिस लाइन की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहन पुलिस लाइन पहला चौराहा से नयाकोट तिराहे होते हुए शहर की ओर आ सकेंगे। वैशाली नगर सावित्री चौराहा की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के वाहन अजमेर क्लब चौराहे से राजहंस वाटिका होते हुए जा सकेंगे। जयपुर रोड बस स्टैंड की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के वाहन अम्बेडकर सर्किल से राजहंस वाटिका होते हुए जा सकेंगे। पुलिस लाइन पहला चौराहा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 प्रस्तावक सहित कुल 5 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे कैंडिडेट के काफिले में केवल 3 वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एमपी चुनाव 2024 के नॉमिनेशन आज यहाँ चालू हो रहे हैं और ये नॉमिनेशन 4 अप्रैल तक चलेंगे। नॉमिनेशन के दौरान एक रूल होता है कि वो 100 मीटर की दूरी को मेंटेन करवाया जाता है। 100 मीटर की दूरी को मेंटेन कराने के लिए हमने अम्बेडकर सर्किल इधर से और यह अजमेर क्लब की तरफ दोनों तरफ से हम रूट डाइवर्ट करवा चुके और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यह रूट डाइवर्ट रहेगा। अंदर की तरफ हमने पूरा हमारा जो जाप्ता लगाना है वो जाप्ता लगाया है और जो दो कलेक्ट्रेट्स के दोनों साइड से जो रास्ते खुले थे उनको बंद करवा दिया गया है और बाहर हमारे माकूल व्यवस्था रहेगी। सर कितने लोग अंदर आ सकते हैं? सिर्फ इसमें जो कलेक्टर साहब के आदेश है वो एक कैंडिडेट, उसके अलावा जो 4 और 5 कैंडिडेट जो 7 में उनके आते हैं वही आएंगे। 5 लोग आएंगे।